मम्मी से कहा ये किसी के पैसे गिर गए। पैसे गिर गए, अच्छा। फिर घर आए, घर आने के बाद मम्मी से बोला, फिर मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि जिसके हैं उसको लौटा दिए, बाहर जाके देखे। अच्छा, बस ये कहाँ से लाए? बोले मम्मी गिरते देखे थे हमने, ये पीछे भी गए। अल्लाह जिसके हों बस पहुँच जाएं, पता नहीं किस तरह से कौन परेशान है। कहते हैं कि बच्चों की जो तरबियत होती है वो उनके घर और स्कूलों से मिलती है, और इस बात को सही साबित किया है ठिरिया निजाबत खां के रहने वाले इस छोटे से बच्चे अब्दुल हन्नान ने। इनका नाम है अब्दुल हन्नान, जो आज मेरे पास खड़े हुए हैं, ये ठिरिया निजाबत खां में रहते हैं। इन्होंने वो काम किया है जिसको सुनकर और जिसको देखकर आपको भी गर्व महसूस होगा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम अब्दुल हन्नान कैसे कर सकते हैं। अब्दुल हन्नान से बात करने से पहले मैं इनके बारे में ये बता दूं कि अब्दुल हन्नान 9 से 10 साल के हैं। अपने घर से ये निकलने के बाद किराने की दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। इनकी अम्मी ने कुछ मंगाया था घर के लिए। अब्दुल हन्नान ने गिरते हुए रोड पर एक पैकेट देखा, उस पैकेट को उठाया। उठाने के बाद मैं अपने घर लेके आया और अम्मी से कहा, अम्मी इस पैकेट में ना जाने क्या है, सील पैक पैकेट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें पैसे हैं। माँ ने तुरंत ही कहा, बेटे ये किसके हैं? तो कहा, मैंने ऑटो का पीछा किया, मैंने गिरते हुए इन पैसों को देखा, लेकिन वो बहुत दूर जा चुके थे, अब मैं कैसे ये पैसे उनको पहुँचाऊँ? तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाके देख बाहर, हो सकता है शायद कोई परेशान होगा, पैसे ये गिरे हैं, वो बहुत दुखी होगा, उसको पैसे वापस करना है, क्योंकि हमने कभी भी आपको तरबियत ऐसी नहीं दी है कि हम चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दें। बहुत अच्छी बात कही। तो अब्दुल हन्नान ने कहा, माँ ये पैसे पहुँचाऊँ कैसे? कुछ देर बाद मस्जिद में अनाउंसमेंट होता है। इस बात की जानकारी अब्दुल हन्नान की माँ को लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा ये वही तो शख्स नहीं है जिसके पैसे गिरे हैं। और उसके बाद उस शख्स के पास अब्दुल हन्नान और इनकी माँ पहुँचती हैं और उस पैसे को वापस करती हैं। जैसे ही वो पैसे उस शख्स को मिलते हैं, बड़ा खुशी महसूस होती है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, जब स्कूल के प्रिंसिपल को अब्दुल हन्नान की इस ईमानदारी के बारे में पता चलता है तो बड़ा खुशी होती है, पूरा स्टाफ झूम जाता है। और तो और अब्दुल हन्नान की एक साल की फ़ीस भी माफ़ कर दी जाती है। ये बड़ा खुशी का पल है, इसलिए आज हम अब्दुल हन्नान के घर पे हैं और बात करते हैं। तो पैकेट गिरते हुए देखा था आपने, क्या लगा था, क्या था उस पैकेट में? पैसे। पैसे थे। अच्छा, कहाँ गए थे, क्या लेने? दुकान पे गए थे। दुकान पे जी। अच्छा, तो पैकेट जब वो गिरा था तो आपने देख लिया था? जी। फिर क्या किया? फिर उनके पीछे भागे थे। भागे थे। वो किस में बैठे थे? ऑटो में। ऑटो में बैठे थे। अच्छा, जब वो पैकेट उठा के देखा तो ये लगने लगा कि इसमें पैसे हैं, फिर उनको देने के लिए आपने कोशिश की, उनके पीछे भागे, क्या हुआ? वो रुका नहीं, ऑटो रुका या नहीं रुका था? नहीं रुका, वो चला गया। चला गया, फिर क्या किया? फिर घर पर आ गए। घर आए, क्या बोला मम्मी से? मम्मी से कहा ये किसी के पैसे गिर गए। फिर घर आए, घर आने के बाद मम्मी से बोला, फिर मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि जिसके हैं उसको लौटा दिए, बाहर जाके देखे। अच्छा, फिर कुछ देर बाद आपने वो पैसे उनको दे दिए। जी। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। अब्दुल हन्नान को जिसने तरबियत ऐसी दी है, शिक्षा ऐसी दी है, मुझे लगता है कैमरे पर उनको भी आने की बहुत ज़रूरत है, हम उनकी माँ से मिलवाते हैं। ये हैं अब्दुल हन्नान की अम्मी। कैसा लग रहा था आपको जब ये इतने सारे पैसे लेकर आया? बस ये कहाँ से लाए? बोले मम्मी गिरते देखे थे हमने, ये पीछे भी गए। अल्लाह जिसके हों बस पहुँच जाएँ, पता नहीं किस तरह से कौन परेशान है। बस इन्हें बाहर भेज दिया था मैंने, घर में बोला नहीं। मैंने कहा पता नहीं कौन कैसा हो, बोल दे कि ये हमारे हैं, बाहर जाकर इनसे भी मना किया मैंने, कहना नहीं, जो ढूंढता है या कुछ परेशान देखे तो उनको लेकर आना। अच्छा। फिर अनाउंसमेंट हुआ, फिर मैं गई। अच्छा, उनको, उनको बुलवाया जी मस्जिद से। अच्छा, क्या करते हैं शोहर आपके? कार ऑटो मैकेनिक। ऑटो मैकेनिक है, कार ऑटो। अच्छा, तो कितने लोग हैं फैमिली में? तीन लोग हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि शायद हन्नान के स्कूल के प्रिंसिपल जो है, उन्होंने एक साल की फीस भी माफ़ की है जी। फीस, यूनिफॉर्म विद सिलेबस, सब कुछ फ्री जी, वन ईयर्स का फ्री। हन्नान, कुछ क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? ये तो बहुत अच्छी बात है, कभी सोचा क्या बनना है? आपको बहुत अच्छी तरबियत मिलती है, आपकी फैमिली इतना अच्छा मैसेज देती है, इतने अच्छे से आपको सिखा रही है, सब कुछ है, कुछ क्या बनेंगे बड़े होकर लगता है? दोस्त हैं जी? दोस्त हैं आपके स्कूल में? स्कूल में कितने दोस्त हैं? बहुत सारे। बहुत सारे हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है स्कूल जब से पहुंचे भी नहीं होगे ना, गए हो स्कूल जी? अच्छा, कैसा लगा स्कूल में जब पहुंचे थे? आपने इतना बड़ा काम किया तो क्या बोले सारे बच्चे और सर मैम, कुछ कहा? बहुत
जी सब ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाया जी। अरे बहुत बढ़िया बात है, हीरो बन गए हो आप बहुत अच्छी बात है। और बस यही कहना चाहूँगा, और मैंने हन्नान को इसीलिए दिखाया था, मैं चाहता हूँ कि बरेली मिरर भी ऐसे लोगों को अपने चैनल पर दिखाए, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई हो। और एक बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा मैसेज है ये। तो आपने देखा, ये अब्दुल हन्नान है जिन्होंने एक मोटी रकम एक शख्स को वापस की है, मुझे लगता है 5 से 7 लाख रुपए वापस किए हैं इस छोटी सी उम्र में। ईमानदारी का सबूत दिया है अब्दुल हन्नान ने। मैं मस्जिद एक ख्वाजा मस्जिद वहाँ पर अनाउंस कराया मैंने, और अनाउंस कराने के मात्र 10 मिनट बाद ये प्यारा सा बच्चा है हन्नान। तो ये हन्नान ने अपना ये बैग मिला हन्नान को, और इन्होंने अपनी वालिदा को दे दिया जाकर। जब अनाउंस सुना तो उनकी वालिदा मोहतरमा ने कहा कि बेटा ये जिनका बैग है उनको देख लाओ और पैसे दे दें। और